हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइस, अभी शाम के बज रहे हैं 6:30 और 6:30 बजे ही थोड़ा सा अंधेरा दिख रहा है यार। पता नहीं क्यों आज ऐसे, मैं सोचा था कि ऊपर आती हूँ और अच्छे से बैठती हूँ, यहाँ पे चाय वगैरह पीऊँगी, बट अभी से अंधेरा स्टार्ट हो गया है। चाय भी पीना बाकी है, आज हस्बैंड को बोला है चाय बनाने के लिए। कभी कभी उनके हाथों की चाय पीने का मन करता है, क्योंकि होता है ना, डेली मैं बनाती हूँ, कभी कभी माही भी बना देती है, कभी कभी नहीं, बहुत बार माही बना देती है चाय। आप लोगों ने देखा होगा पिछले ब्लॉग में मेरे, कि माही ने बहुत बार चाय बनाई है, तो वैसे बहुत बार बना के देती है। जैसे मुझे कभी कभी होता है ना कि एडिटिंग करती रहती हूँ या कुछ, कभी चाय पीने का मन किया तो वो बना के दे देती है मुझे चाय, और इनका बहुत कम रहता है, बट इनके मूड पर डिपेंड है। अगर इनका मन किया तो चाय बना के दे देते हैं वैसे भी बिना बोले, बट आज खुद से चाय बना रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो आपसे बात कर लेती हूँ। तब तक वो बना रहे हैं चाय, तो माही ला के दे देगी यहाँ पे, तो मैं थोड़ा चाय भी पी लूँगी यहाँ पे। तो आई थिंक, अरे माही इतनी जल्दी क्यों, माही ने आज तो सब बिना बोले, पता नहीं क्यों वो सारे काम कर रहे हैं। कल का असर हो गया लगता, कल ना मुझे एक्चुअली फीवर चढ़ गया था, जैसे ही वो हुआ, क्या बोलते हैं, तो वो तेल वगैरह का वो हुआ ना हादसा, तो वो उसके बाद ना पता नहीं मैंने टेंशन ले लिया या मतलब दिमाग में बैठ गया या फिक्स हो गया, तो इसी वजह से ना मुझे ना फीवर चढ़ गया था। पता नहीं क्या हो रहा था मुझे, तो रात को ये बोल रहे थे कि पैरासीटामल ले लो, तो मैंने बोला नहीं नहीं वो डर का फीवर है, तो इसी वजह से मैंने पैरासीटामल नहीं ली। बट वो ना पता नहीं मुझे एकदम से फीवर चढ़ गया, फिर सुबह मैंने इनको बोला भी कि वो डर का फीवर है, सुबह तक ठीक हो जाएगा, फिर मैंने पैरासीटामल वगैरह कुछ नहीं ली, और फिर ना इनको मतलब सुबह उठी तो अच्छा लगने लगा। और आज हाँ, मैं यही देख रही थी कि नीचे अभी भी अंधेरा बिल्कुल हुआ नहीं है, मतलब शाम अभी भी हुई नहीं है, बट फिर भी माही ने ना दिया भी लगा दिया, उसके पापा चाय बना रहे हैं, माही दिया लगा रही है, मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे आज कुछ स्पेशल डे है। तो चलिए, मेरे लिए तो है ही आज का दिन स्पेशल, मतलब इतना सारा कुछ हो रहा है मेरे लिए तो। और हाँ, आपने पूछा था कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, यार अच्छा लग रहा है एक्चुअली, आप लोग केयर कर रहे हो तो। बट ना जो यहाँ पर था वो मार्क अभी थोड़ा सा कम हो गया है, और जलन भी कम हो गई है, सिर्फ ना सुबह यहाँ की जलन बहुत ज़्यादा थी, तो आँखों के ऊपर भी मैंने फेस पैक लगाया था, जो मैंने फेस पैक बनाया था, आपको नहीं बताया था मैंने कि फेस पैक बनाऊँगी, मुल्तानी मिट्टी, नीम और चंदन का फेस पैक बनाया था मैंने, तो वो तीनों चीज़ें मिला के, और उसमें गुलाब जल मिलाया था, तो वो फेस पैक ना मैंने पूरे फेस पे भी लगाया और आँखों के ऊपर भी लगाया, तो उससे ना जलन थोड़ी कम हो गई थी, बट सुबह भी यहाँ की जो जलन थी, यहाँ पर शायद ज़्यादा गिर गया था तेल, तो यहाँ की जो जलन थी वो सुबह भी हो ही रही थी, फिर वो जलन ना कुछ देर के बाद कम हो गई, मतलब दोपहर तक वो जलन कम हो गई, तो मुझे अभी ठीक लगने लगा है, तो इसी वजह से दोपहर में ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया। सुबह तो कुछ भी नहीं हुआ, सुबह जलन हो ही रही थी तो मैं लेटी ही थी, फिर दोपहर में ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया, और मैंने सोचा चलो अभी आपको बता भी देती हूँ। और बहुत से लोगों ने मुझे पूछा था कि अभी आप कैसे हो, तो मैंने सोचा चलो आपको बता भी देती हूँ अभी कि मैं अच्छी हूँ, और वो जो मार्क है वो भी नहीं आया है, उसकी वजह से मैंने क्या किया था, अगर मैं वो करती, उस पर पानी वगैरह डालती या बर्फ वगैरह लगाती ना, तो उससे मार्क जल्दी आते या फोड़े वगैरह आने के चांसेस थे, बट मैंने वो नहीं किया, मैंने टॉवल से सिर्फ क्लीन किया, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद, मतलब काफ़ी देर के बाद, आधे घंटे के बाद मैंने फेस वॉश किया, उसके बाद मैंने वो फेस पैक अप्लाई किया था, तो उससे कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कुछ भी नहीं अभी पता चल रहा है मुझे। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लग रहा था रात को, तो यहाँ का भी अभी कुछ भी नहीं लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है बट अभी इतना ज़्यादा नहीं है, और जलन भी काफ़ी हद तक, मतलब बोल सकती हूँ मैं कि पूरी कम हो गई है जलन, जलन तो बिल्कुल हो ही नहीं रही है। और हाँ, मैं आपको यहाँ पर आई हूँ तो मुझे सडनली दिख गया वो, तो मैं आपको दिखा देती हूँ, जो मैंने उस दिन बोला नहीं था आपको, वहाँ से ऊपर से दिखाया था, तो किसी ने मुझे बोला था कि आप ग्रिल लगवा लो, मतलब उनको लगा कि ग्रिल नहीं है मेरे टेरेस पे, मतलब वो गैलरी में, और ग्रिल लगवा लो बोल रहे थे, और सेफ्टी के लिए अच्छा रहता है, तो मैं आपको बता दूँ कि वहाँ पर वो नहीं है, टेरेस नहीं है वो, मैंने आपको ऊपर से नीचे का दिखाया था, तो मैं आपको दिखा देती हूँ दोबारा से, उधर वाले गैलरी में जाके, उधर ये वाली गैलरी है, मतलब माही के रूम की, और जहाँ पर मैं वीडियो वगैरह बनाती हूँ वो वाली गैलरी है, और उधर वाली गैलरी जो है वो दिखाती हूँ मैं आपको, वो ये है, तो यहाँ पर पूरी गैलरी में ग्रिल लगवाई है, आप देख सकते हो पूरी गैलरी में ग्रिल है, बट वहाँ से मैंने आपको यहाँ से दिखाया था मैंने नीचे का नज़ारा, तो ये है पोर्च के ऊपर का स्लैब,
तो यहाँ पर तो ग्रिल नहीं लगा सकते क्योंकि ये यहाँ पर यूज़ भी नहीं होता है ये, और यहाँ पर जाने के लिए रास्ता भी नहीं है, मतलब यहाँ से ही कूद के जाना पड़ता है नीचे, तो ये बिल्कुल यूज़ नहीं होता है, सिर्फ शो के लिए है। तो यहाँ पर ग्रिल लगवाने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो ये ऊपर से नीचे का दिख रहा है, हस्बैंड पानी डाल रहा है नीचे, तो वो दिख रहा है। तो बस यही है गैलरी, और गैलरी का नज़ारा तो आपने देख लिया पूरा। और हाँ, इस गैलरी का टूर भी आप लोगों ने मांगा था, तो चलो आपको एक बार टूर भी मिल गया इस गैलरी का। तो ये पीछे आपको दिख रही है, ये वाले डोर के सामने आमने सामने माही की रूम है, और ये गैलरी है, एक बड़ी सी है ये गैलरी, और उसके रूम में भी गैलरी है, और ये वाली जिम रूम में भी गैलरी है, मतलब तीन गैलरी है ऊपर। और आपको दिख रही है वो टेरेस है, मतलब सबसे ऊपर, तो ऐसा है। और हाँ, अजान हो रही है, 7 बज रहे हैं, 6:30 मैंने बोला था आपको, 6:30 अभी आधा घंटा तो नहीं हुआ होगा आपसे बात करते हुए, आई थिंक 7:45 बज रहे होंगे उस टाइम। अभी 7 बजे की अजान चल रही है, आपको पता नहीं सुनाई दे रहा या नहीं, बट अजान हो रही है। पता नहीं अजान कैसे हो रही है, कितने बजे हैं, 7 बजे की अजान होती है, बट ये 6:55 कैसे दिखा रहा है समझ में नहीं आता। चलिए कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता कितने बजे की अजान होती है, 7 बजे की होती है। जो भी मुस्लिम मुझे देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना कितने बजे की अजान होती है शाम को। तो चलिए फिर नीचे चलते हैं, चाय पीते हैं, कोई लाके तो देने वाला नहीं है, मुझे लगा माही लाके देगी, बट माही नहीं, लाके नहीं दिया मुझे। चलो नीचे चलते हैं, चाय पीते हैं। और हाँ, बच्चे तो दिन भर यार टीवी 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 ही देख रहे हैं आजकल, और हाँ उनको मना भी नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं वो, उनको मना भी नहीं कर सकते हैं आजकल, वो बाहर नहीं जा रहे तो और क्या करेंगे, कुछ ना कुछ गेम खेलेंगे, टीवी देखेंगे, मोबाइल पे कुछ वीडियो देखेंगे, ये सारी चीज़ें करते हैं। माही तो भी टिकटॉक वगैरह देख लेती है, अद्विक को तो इतना नहीं है, अद्विक टीवी पे कार्टून देखता है, या तो वो मोबाइल पे कुछ वो होते कॉमेडी वीडियोज़ वो लगा देते हैं उसके पापा, और माही ड्राइंग वगैरह करती है, कुछ पढ़ लेती है बीच में, और दिन भर क्या करेंगी यार, पूरा दिन मिला है उनको और पूरा दिन घर में ही रहना पड़ता है, तो क्या कर सकते हैं बच्चे भी बोर हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी, और मैं आज बनाने वाली हूँ अंडा बिरयानी, मतलब एक बिरयानी बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए मैंने एग्स बॉईल करने के लिए डाल दिया है एक बॉयलर में, और यहाँ पर जो बासमती चावल है वो मैं भिगोने के लिए रख दे रही हूँ, मतलब आधे घंटे पहले उसे सोक करने के लिए रख देना पड़ता है, तो इसी वजह से वो मैं ले रही हूँ, और यहाँ पर वॉश करूँगी, सोक करने के लिए रख दूँगी आधा घंटा, और अच्छे से वॉश करना है इसे आपको। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आगे, बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनती है अगर आप इस तरह से बनाते हो तो, जैसे मैं बनाने वाली हूँ आगे। और बस यहाँ पर मैं अच्छे से जो चावल है उसे वॉश कर ले रही हूँ, ताकि उसका जो वाइट पानी है वो पूरा निकल जाए, और बहुत अच्छे से वॉश करना है आपको, 4-5 पानी से अच्छे से वॉश करना है आपको इसे, ताकि इसका मतलब पूरा वाइट पानी निकल जाए और अच्छे से क्लीन दिखे ये। उसके बाद आपको इसमें अच्छा पानी डाल के इसे सोक करने के लिए रख देना है आधे घंटे के लिए। सो गाइज, आज के डिनर में बनने वाली है अंडा बिरयानी। एक्चुअली कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या बनाए, तो इस वजह से ये बोल रहे कि अंडा बिरयानी बना दो, तो मैंने भी बोला कि चलो इजी है और बना देते हैं। तो अंडे अभी बॉईल करने के लिए रखे हैं, और वो मैंने क्या बोलते हैं राइस जो है वो भिगोने के लिए डाल दिया है, तो वो आधा घंटा अभी भिगोने के लिए रखेंगे, और एग बॉईल करने के लिए रखे हैं तो उसी का वेट कर रही हूँ। तो जब एग्स बॉईल हो जाएंगे तो किचन में जाऊंगी, और हाँ थोड़ी देर पे किचन में रहती हूँ ना, तो पूरा ऑयली हो जाती है स्किन, आप देख सकते हो पूरी ऑयल छोड़ने लगी है स्किन, पूरी चमकने लगी है। तो
थोड़ी देर में ना, थोड़ी सी भी गर्मी होती है तो थोड़ी देर में ही ऑयल छोड़ने लगती है मेरी स्किन, इतनी ज़्यादा ऑयली है। और समर में तो बहुत ज़्यादा हो जाती है ऑयली, तो ऐसे ही होता है मेरे साथ हमेशा हर समर में। तो इसी वजह से मुझे ऑयल मतलब ऑयल कंट्रोल वाला फेस वॉश वगैरह यूज़ करना पड़ता है। तो इस टाइम मैं ज़्यादातर वही क्लीन एंड क्लियर वाला फेस वॉश यूज़ करती हूँ, या तो फिर चारकोल वाला फेस वॉश यूज़ करती हूँ। ज़्यादातर चारकोल या क्लीन एंड क्लियर वही फेस वॉश यूज़ करती हूँ, ये वाली गर्मी को भगाने के लिए, यानी कि गर्मी को बोल रही हूँ वही ऑयल को भगाने के लिए। तो चलिए थोड़ी देर में वो हो जाएगा, उसके बाद किचन में जाती हूँ और अपना स्टार्ट करती हूँ बिरयानी बनाना। किचन में मैं आ गई हूँ और यहाँ पर एग्स बॉईल हो गए हैं, तो वो मैंने निकाल लिया उसके छिलके। तो यहाँ पर मैं उसमें डाल रही हूँ हल्दी, नमक और लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा गरम मसाला वो मैं डाल दे रही हूँ उसमें, और थोड़ा सा दही ऐड करना है आपको उसमें थोड़ा सा। और ये जो मैंने फोक लिया है उससे मैं इसको छेद लगा लूँगी ताकि हमारा जो मसाला है उसके अंदर तक जा पाए। और इसे अच्छे से छेद लगा लेना है सारे अंडों को, और उसके बाद उसे अच्छे से वो जो मसाले है उसमें डिप करके रख देना है, मतलब सारे मसाले उसमें लग जाए। इस तरह से आपको उसको लगा लेना है, मतलब रख देना है सारे अंडों को करके। और साइड में मैंने प्याज भी, वो पतला पतला वाला प्याज लंबा लंबा काट के रखा है। और उसके बाद मैंने दो टोमेटो लिए हैं, चार पाँच हरी मिर्च ली है, यहाँ पर एक कटोरी दही लिया है। ये सारी चीज़ों का काम हमें पड़ेगा। और अंडों को मैं सबसे पहले अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ सारे मसालों में। अब हम करेंगे बिरयानी बनाने की तैयारी। तो जो मैंने सोक करने के लिए रखे थे चावल वो भी सोक हो गए हैं, आधा घंटा सोक किए हुए हो ही गया है उसे। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, उसके बाद मैंने उसमें ऑयल डाला है, और ऑयल गर्म हो जाने के बाद उसमें मैं खड़े मसाले डाल रही हूँ, जैसे कि तेज़पत्ता, लौंग, इलायची और दालचीनी, ये सारी चीज़ें खड़े मसालों में आती है। तो ये सारी चीज़ें मैं उसमें डाल रही हूँ और बस इसे अच्छे से चला लूँगी ताकि इसका जो फ्लेवर है वो उसमें आ जाए ऑयल में। इसके बाद मैं उसमें हरी मिर्च डाल रही हूँ, और उसके बाद जो प्याज हमने काट के रखा था, यहाँ पर मैंने छोटे साइज़ के तीन प्याज लिए थे, तो ये मैं अच्छे से भून ले रही हूँ। मतलब इसमें अच्छे से वो ब्राउन होने तक वो करना है, मतलब चला लेना है आपको। और उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है, उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट एक चम्मच तक आपको ऐड कर देना है उसमें, बड़ा एक चम्मच। और उसके बाद उसे भी अच्छे से चला लेना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो चला जाए, मतलब प्याज का और लहसुन अदरक के पेस्ट का। तो इसका कच्चापन जाने के बाद आपको उसमें ऐड करना है मसाले। तब तक वहाँ पर प्याज और वो अदरक लहसुन का पेस्ट हो रहा था, तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी है और यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है, और ये जो मैरिनेट किए हुए एग्स है वो हम उसमें डाल देंगे, और ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे अच्छे से भून लेंगे, मतलब अच्छे से फ्राई कर लेंगे। डीप फ्राई नहीं करना है आपको इसको, अच्छे से इसी में फ्राई करना है, कढ़ाई में आपको ऐसे ही हल्का सा फ्राई करना है। और बस वहाँ पर जो प्याज हो रहा है हमारा, वो हो जाने के बाद हम उसमें मसाले ऐड कर देंगे। बीच बीच में अंडों को चलाते जाना है, यहाँ पर मैं जैसे चला रही हूँ वैसे ही, नहीं तो एक साइड से होंगे वो एक साइड से नहीं होंगे। वैसे भी मैं काम करती रहती हूँ बाकी के भी, जैसे कुछ बनाती रहती हूँ तो काम भी करती रहती हूँ बाकी के, जैसे वो हो गया, थोड़े से बर्तन दिख गए तो वो भी बीच बीच में क्लीन करती रहती हूँ, तो वो हो ही जाता है, थोड़ा सा एक साइड से हो जाता है, एक साइड से नहीं हो गए थे, तो वैसे मैं पलटा रही हूँ बीच बीच में उसे। तो यहाँ पर मैं लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, हल्दी ऐड की है मैंने, और उसके बाद मैंने उसमें थोड़ा सा गर्म मसाला ऐड किया है। एक्चुअली मसालेदानी में से ना मिर्च पाउडर ख़त्म हो गई थी, तो इसी वजह से मैंने उसमें ऐड की है, और उसके बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको मिर्च पाउडर ऐड करनी है और इसे अच्छे से चला लेना है। इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे एवरेस्ट का जो बिरयानी मसाला आता है वो, इससे ना इसकी टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बिरयानी मसाला ऐड करने से बिरयानी की टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसी वजह से मैं ज़्यादातर ये वाला मसाला यूज़ करती हूँ। मतलब मेरे घर पे रहता ही है ये वाला मसाला, अगर आप यूज़ करते होगे तो आपको पता होगा, अगर नहीं करते हो तो एक बार इसे यूज़ करके ज़रूर देखना, आपको इसकी आदत लग जाएगी, मतलब बिरयानी वगैरह में डालने की। तो बहुत टेस्टी लगता है इससे, मतलब बहुत टेस्टी बनती है बिरयानी इससे। यहाँ पर सारे मसाले भुन गए थे, उसके बाद मैंने उसमें टोमेटो ऐड किया है, और उसके बाद टोमेटो गलने के लिए मैंने उसमें ऐड किया है यहाँ पर नमक। तो आपको ये ट्रिक तो पता ही होगी, टोमेटो जल्दी गलने के लिए आपको नमक ऐड करना होता है। उसके बाद जो मैंने दही निकाल के रखा था साइड में एक कटोरी, वो दही मैं उसमें ऐड कर दूंगी। एक्चुअली मैंने इसे फेटा नहीं था, बट आप बाद में भी इसे फेट सकते हो, जैसे मैंने अभी ऐड किया है बिना फेटे वाला दही। तो अभी इसमें जैसे जैसे मैं चलाऊंगी वैसे वैसे वो फेटता जाएगा, तो इस तरह से आपको चला लेना है अच्छे से और इसे फेट लेना है, मतलब एक तरह से इसे फेटना ही हो गया, ये अच्छे से फेट लेना है इसे, ताकि जो प्याज, टोमेटो और सब वो सारी चीज़ें मसाले वगैरह थे तो वो दही में मिक्स हो जाए, मतलब दही उसमें मिक्स हो जाए या वो दही में मिक्स हो जाए,
ये हम लोग बोल सकते हैं। तो सारी चीज़ें एक दूसरे में मिक्स हो जाए, ऐसे आपको चला लेना है अच्छे से उसे, और थोड़ी देर के लिए ढक के रख देना है ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो उसके बाद मैं इसको पलटा लूँगी, एक साइड से हो गया है, दूसरे साइड से होने की बाकी है, तो ऐसे ही मैं इसे अच्छे से चला लूँगी। और ये ज़्यादा नहीं होने देना है आपको, जैसे हम लोग डीप फ्राई नहीं करते हैं वैसे नहीं होने देना है इसे आपको। बस ये यहाँ पर मेरा जो क्या बोलते हैं मसाला बन चुका था, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा गर्म था, इसी वजह से मैंने कपड़ा यूज़ किया। और इसका कलर आप देख सकते हो यार, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और ऑयल भी छोड़ने लगा है, तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहा है। इसकी खुशबू ना बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही थी जब मैं इसे बना रही थी ना, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। कोई भी बिरयानी आप बनाते हो ना, उस टाइम खुशबू बहुत अच्छी आती है यार, मतलब खाने का मन कर जाता है। तो इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, उसके बाद जो एग्स हमने फ्राई करके रखे हैं, फ्राई मीन्स वो शालो फ्राई करके रखे हैं, वो हम उसमें ऐड कर देंगे। और फिर उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे ये जो हमने सोक करके रखे थे राइस, वो ऐड करेंगे उसमें। और मैंने इसमें बासमती राइस यूज़ किया है, ये ना थोड़ा सा लंबा लंबा होता है ना, तो मतलब बिरयानी में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा दिखने में अच्छा दिखता है, इसी वजह से मुझे ना बिरयानी में यही वाला चावल यूज़ करना अच्छा लगता है, तो मैं इसी वजह से यही यूज़ करती हूँ। और ना ये बनने के बाद थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये लंबा होता है चावल, और ज़्यादा पलटाने के लिए ना उसे वो नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी ये गल चुका होता है, हम लोग भिगोने के लिए रखते हैं, उसके बाद वो टूट जाएगा अगर आप ज़्यादा छेड़खानी करोगे उससे। तो इसीलिए बहुत ही हल्के हल्के हाथों से आपको सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है, और उसके बाद आपको उसमें पानी ऐड करना है। तो पहले पानी मैं गर्म होने के लिए रख दूँगी, मतलब गर्म करने के लिए पानी रख दूँगी, उसके बाद वो गर्म पानी उसमें ऐड करूँगी, क्योंकि अगर आप ठंडा पानी उसमें ऐड करते हो ना तो वो बॉयल होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो इसी वजह से अगर आप ऑलरेडी गर्म पानी उसमें यूज़ करते हो ना तो टेस्ट भी उसकी बढ़ जाती है, और उसके बाद ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है आपके राइस को पकने के लिए। तो बस इतना पानी, ज़्यादा पानी नहीं डालना है आपको इसमें, इतना पानी इनफ है, बस इतना पानी आपको डाल देना है, ऊपर तक थोड़ा सा ऊपर तक आ जाए, बस इतना पानी डाल देना है। और लो फ्लेम पर आपको गैस को रख देना है, और अच्छे से आपको पहले इसे चला लेना है, मतलब ज़्यादा छिड़खानी नहीं करनी है, मैं जैसे कर रही हूँ अब, मैं बहुत ही डर डर के कर रही हूँ, क्योंकि ये इसलिए कर रही हूँ ताकि हमारे जो राइस है वो टूटे ना, मतलब आधे आधे ना दिखे, वो लंबे लंबे से अच्छे दिखते हैं, जैसे होटल जैसी बिरयानी बनती है, तो इसीलिए अच्छा दिखता है, दिखने में भी अच्छा दिखता है और खाने में भी काफ़ी मज़ा आता है। अगर वो टूट जाएंगे तो फिर मज़ा नहीं रहेगा इतना, तो इसीलिए लो फ्लेम कर दिया है मैंने गैस का। और उसके बाद मैं इसे अच्छे से ढक के रख दूँगी, और आप देख सकते हो अभी थोड़ी देर के बाद निकालने के बाद और बिल्कुल होटल जैसी बिरयानी बनी है, और राइस भी बिल्कुल खिले खिले से बने हैं, और ना वो हो गया है क्या बोलते हैं तो खड़े है चावल, बिल्कुल वो टूटे नहीं है। तो मुझे ऐसी बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद आती है, आप देख सकते हो यहाँ पर मैं क्लोज करके दिखाती हूँ, एक भी चावल टूटा नहीं है। अभी इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, ठंडा मीन्स वो अभी थोड़ा सा पानी उसमें है ही, तो मॉइस्चर है, तो थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ना ये बिरयानी खिली खिली सी बनेगी, बहुत अच्छे से बनेगी, दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी दिख रही है। मैं लेके गई उधर, और अभी हम लोग डिनर करते हैं, और उसके बाद फिर आपको बताती हूँ कि टेस्ट में कैसी बनी है, दिखने में तो बहुत ज़्यादा यम्मी दिख रही है। चलिए पहले डिनर कर लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको बता दूंगी कि उसकी टेस्ट कैसी है। गाइस डिनर हो गया है, और हाँ जितनी यम्मी दिख रही थी बिरयानी उससे भी ज़्यादा यम्मी खाने में थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी बनी है, एक बार पक्का ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। और हाँ चलिए फिर इस ब्लॉग को यही करती हूँ, और नाम लेने का टाइम आ गया है। आज के ब्लॉग में तो किसी ने नाम लेने की रिक्वेस्ट नहीं की है, बट मैं कल के ब्लॉग का कंसिडर करके इस ब्लॉग में नाम ले रही हूँ, क्योंकि कल के ब्लॉग में मैं नाम नहीं ले पाई थी, क्योंकि वो थोड़ा सा हादसा होने की वजह से थोड़ा सा मूड खराब हो गया था और टेंशन में आ गई थी, इस वजह से नाम नहीं ले पाई। और हाँ इस ब्लॉग में मैं कल के ब्लॉग का नाम लेती हूँ, तो कल भी बहुत कम रिक्वेस्ट आई थी, मतलब एक ही रिक्वेस्ट आई थी नाम लेने के लिए, मैं वही नाम आज ले रही हूँ। तो आकांक्षा तिवारी ने मुझे रिक्वेस्ट की थी उनका और उनकी बेटी का नाम लेने के लिए, तो उनका नाम है आकांक्षा तिवारी और उनकी बेटी का नाम है गार्विता, तो बहुत ही अच्छा नाम है, बहुत अच्छा लगा मुझे नाम भी, तो कॉन्ग्रेचुलेशन डियर। और चलिए फिर इस ब्लॉग को यही पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो, और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियो, हॉल वीडियोज, मेकअप वीडियोज इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से अगर कोई मराठी मुझे देख रहे हो तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलिएगा। और हाँ, जब भी आप सब्सक्राइब करोगे उसके बाजू में एक बेल आइकॉन आएगा, उसको भी दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।